हमारे साथ बढ़ रही है, इसको आप लोगों को क्या करना है, कवर करना है। चल रहा ना बॉडी, हाँ। चौदहवा पॉइंट लिखिएगा कॉम्पिटिशन, इसको उल्टा घुमा के लगा लो, तुमने लगा भी दे। चल रहा ना, एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता दे रहा, आपके लाइफ में ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट ने काफी हद तक परेशानी खड़ी कर दी है, कॉम्पिटिशन। ठीक है, फील करते हो आप जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो, तब आप देखते हैं कितने लोगों की भीड़ आपको दिखती है, इतने लोगों की भीड़ आपको दिखती है, आप देख के चौंक जाते हैं कि बापरे इतने लोग बेरोजगार, उनमें से भी कई लोग आपको एजेड भी दिखते हैं। शक्ल से समझ में आता है कि ये काफी समय से दे रहा है, इसका नहीं हो पाया, मेरा क्या हो गया, तो कई बार दे चुका है। और कॉम्पिटिशन के कारण ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े लॉस क्या हो रहा है, आप डिजर्विंग होते हुए भी कई बार मार इसलिए खा जाते क्योंकि सीट्स कम है, लोग ज्यादा हो गए, आप थे डिजर्विंग, आपके पास सारी क्वालिटी थी, लेकिन लोग जहाँ ज्यादा होंगे तो फिर आपने इतने सारे लोगों से लड़ना भी तो पड़ेगा। अब एक सीट के लिए अगर 1000 लोगों की अगर लड़ाई हो जाए तो 999 लोगों, मतलब 999 लोग बाहर होने वाले हैं, कहाँ तक लड़ लोगे आप। इसी कॉम्पिटिशन के कारण ध्यान रखना, कई लोगों ने आज नौकरी की तैयारी छोड़ दी है। अभी नया जो वर्ग जो निकल रहा है, वो वर्ग कॉलेजों में नौकरी की तैयारी छोड़ कर वो सीधे सीधे क्या करता है, तो व्यापार के लोन लेके बिजनेस स्टार्टअप चालू करता है, या तो एक पैकेज कंपनी का पार्टी सीधे बाहर हो जाता है। आपके लोग नहीं करते तैयारी, आप क्या करेंगे मालूम है, 10 करोड़ सीट निकल 1,00,000 लोग आ जाते हैं, तो 1,00,000 लोग को बिना मारा पाएंगे, और उसमें भी उस 1,00,000 लोगों में भी कुछ पर्टिकुलर लोग जो एक स्पेशल सेक्टर से आते हैं, जहाँ पे जैसे बिहार साइड में कहा जाता है कि सरकार की तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, या दिल्ली से कोई बंदा पढ़ के आ गया तो उससे तो उनका हड़ा के निकल जाएगा, उसकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी कोई विशेष नहीं है। तो कॉम्पिटिशन है, प्राइवेट नौकरियों में है, आप बिजनेस खोलेंगे तो है, आप प्रोफेशन में जाएंगे तो है, प्रोफेशन इससे भी लड़ना है। 15वां पॉइंट आपका मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म ये पॉइंट प्रॉब्लम यूथ जो है वो लगातार देख रहा है कि हर यूथ आजकल क्या चाहता है कि मुझे बहुत जल्दी बड़ा सा घर मिले, कार मिले, एक ब्रांडेड मोबाइल मेरे पास हो, ब्रांडेड कपड़े हो मेरे पास, लाइफस्टाइल मेरी ब्रांडेड हो जाए और दुनिया विदेशों में घूमे। ये यूथ के आजकल इच्छाएं बढ़ गई है क्योंकि यूट्यूब में भी देख देख के एक लालच आ जाता है, जैसे यूट्यूब में अपने वीडियो देखा सिंगापुर का, मन में लालच है एक बार तो जाएंगे बड़ा सिंगापुर, दुबई का वीडियो देखा, अरे दुबई जाना चला, दिमाग में कीड़ा घुस गया कि दुबई जाना है। मटेरियलिज्म तब सही होता है जब आपके पास खुद की कमाई हो। लोग क्या कर रहे हैं, समय लोन लेके चले जाते हैं, ज्यादा युवा क्या कर रहा है, दुबई जाना, एक अच्छी कार खरीदी, महंगा मोबाइल खरीदना, सीधे लोन ले लिया। आजकल लोन तो भी आसानी से मिल जाता है, अब लोन तो मिल गया पटा नहीं पाए, टेंशन आ गई क्योंकि आपके पास इनकम कहा था, बात तो हुई थी, पैसा जब मिलता है बड़ी खुशी होती है, जैसे क्रेडिट अकाउंट आता है ना, कि 5 लाख रुपए क्रेडिट किए गए आपके अकाउंट में, सीना चौड़ा, बोले 5 लाख के मालिक होके लखपति बन गए, एक बार में एक लखपति बन गए, पापा का तो 5 लाख छोड़ने में कई साल लग गए थे, हम एक बार में बने, मैसेज आ गया, बैंक बैलेंस दिख रहा है, उसके बाद वो 5 लाख को चुकाने में जो 4-5 साल की जो फजीहत है, वो 4-5 साल के लिए क्या सोचा। तो मटेरियलिज्म तब करें जब आपके पास खुद की पैसा, और ज्यादा लोन्स पे भी बेस हो रहा है आजकल का युवा, अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी लोन ले थके, मोबाइल, अरे मोबाइल मेरे दोस्त ने 40 का ले लिया सर, मेरा 20 का, मैं 4-50 का लूंगा, ले लिया 50-50 से क्रेडिट, उसके बाद मिल तो जाता है, फिर देने में के लिए क्या नौकरी है, आपके पास का व्यवसाय है, फिर आप फादर मदर से मांगने लगे, दोस्तों से कर्जा मांगने लगे, और फिर नहीं कर पा तो कंपनी बैंक में उठा कर तो ले जा रही है, आपका सिविल भी खराब हो गया, और जो मेंटल में जो स्ट्रेस बना वो क्या था, एक बार स्ट्रेस दिमाग में घुसता है ना तो स्ट्रेस क्या था, दोबारा जाती नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, वो लोन चलो तुम्हारा मोबाइल ले गई कंपनी, पैसा नहीं पटा पाए, स्ट्रेस तो दिमाग में आ गया ना भाई, आदत हो गई जाती है चिंता करने की, फिर मोबाइल की चिंता नहीं रही तो रोडों की चिंता चालू, हाँ कुछ भी चिंता चालू, घर से पानी टपक रहा चिंता में आ गया, अरे घर से पानी भी टपक रहा, चिंता की आदत लग गई ना आपको, वो चिंता की आदत मोबाइल से चालू होकर पता चला तुम्हें धीरे धीरे करके शमशान घाट की तरफ ले जा रही है, और ये दिन खत्म। तो यही है कि चिंता की आदत एक बार डल जाती है तो दिक्कत होती है। 16th और लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा, फैमिली वैल्यूज से डिफरेंस, डिफरेंस विद फैमिली वैल्यूज। कहा जाता है युवाओं को कि भाई फैमिली से दूरी ना बने, आप सभी धीरे धीरे करके फैमिली से लगातार दूरी बनाते जा रहे हो,
इससे फर्क क्या पड़ेगा? अभी आपने जाना